हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल विजय मिलियंस। और आज ये खूबसूरत सी व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इसका नाम है सिरामिक व्हाइट। क्या चीज़ें बेहतर है वो इस वीडियो में मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। पर फिर भी एक लेंस में जो व्हाइटिशपन खूबसूरती लग रही है ना, इसका भी अलग अलग चीज़ है। जैसे सामने से देख रहे होंगे तो ये थोड़ा अलग लगता है, साइड से अलग, और वहीं पर जैसे पीछे देख रहे होंगे तो वो थोड़ा अलग लगता है। फिलहाल अगर कीमत से शुरुआत करूं तो मेरे सिटी में ये पड़ती है 2,07,000 रुपए की। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वैरी करेगा, पर फिर भी एक ऑन रोड प्राइस के हिसाब से मैंने सोचा कि कवर कर देता हूं ताकि आपका एक डिसीजन मेकिंग इजी हो सके। फिर जैसे यहां सामने फ्रंट के लुक के देख रहे होंगे तो मैक्सिमम पोर्शन यहां पर व्हाइट मिलता है। यहीं पर जैसे मैं चला के दिखाऊं तो DRL फॉर्मेशन भी थोड़ा एक व्हाइट के साथ मैचिंग लगता है, बट हाईलाइटेड अगर आप चीज कभी भी देख रहे होंगे तो ये ऑरेंज या फिर ब्लैक रहता था, वो ज्यादा खेल के आता था। वहीं पर जैसे नॉर्मल आप देख रहे होंगे तो ये DRL का जो सेटअप है वो अट्रैक्टिव है। पर एक चीज जो थोड़ा सा दुख लगता है, जो मैं अभी जला के बताता हूँ, ये हैलोजन फॉर्मेशन। पर ठीक है, प्राइस के हिसाब से अगर कट रेंज करना था तो उसके हिसाब से ये काउंट कर सकते थे। तो सेंटर में आपको हैलोजन का सेटअप मिलता है और ये रिफ्लेक्टर के साथ आता है। यही चीज LED में थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगता है, बट फिर भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से आई थिंक दिस इज क्वाइट सफिशिएंट। वहीं पर जैसे साइड की तरफ जाएं तो ये जो बाहर का जो इस साइड का पैनल है टैंक का, अब पूरी तरीके से व्हाइट के साथ मिश्रण में दो कलर्स है, जिसमें ये जो ड्यूक है ये थोड़ा सा क्रिएटिव वे में लिखा गया है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ड्यूक में DU है, ये ऑरेंज है, जिसके इंटीरियर बेस में आपका ब्लू कलर है। वहीं पर KE जो ड्यूक का आधा वर्ड है वो व्हाइट में लिखा गया है, जिसका अपर लेयर थोड़ा सा आपको ब्लूइश पैटर्न में मिलता है। वहीं पर 125 है, ये ऑरेंज कलर में लिखा हो गया। देखिए आप इसके डिस्प्लेसमेंट और बाकी सबसे ऑलरेडी वाकिफ है, पर फिर भी बता दो 125 cc तो एग्जैक्ट आपको डिस्प्लेसमेंट 124.8 का निकाल के देता है, विच इज क्वाइट गुड इनफ। और जैसे एक प्रॉपर टॉर्क होना चाहिए 12 Nm का इसमें मिल जाता है देखने, जो इस गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट। सीट के बारे में बात करूं तो सीट कंफर्टेबल है, बट मेरा मानना है कि अगर आप एक्स्ट्रा कुशनिंग लगाएंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा आपको फायदेमंद होगा। पिलियन भी सेम चीज वही है। अब जैसे मैं बता रहा था दो अलग अलग हिसाब से रहेगा, तो सामने जैसे देख रहे होंगे ना तो गाड़ी पूरी तरीके से व्हाइट लगती है। जैसे यहां पर अगर मैं दिखाऊं, वहीं साइड से दिखाऊं तो मिक्स मैच कलर ये मिल जाता है, और पीछे से अगर कोई देखेंगे तो ये ऑरेंज पैटर्न में गाड़ी थोड़ी मिल जाएगी देखने। अब मैं एक राइडर पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि करेक्ट अगर आप सिटिंग पोजीशन पर बैठते हैं तो सामने क्या चीज मिलेगा देखने। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इस पूरे कंसोल सिस्टमेट से आप वाकिफ हैं, जिसमें ऊपर कितने RPM पे गाड़ी चल रही है वो बताता है, कितने किलोमीटर्स पे, यहाँ पर बताता है कि ओडो सेट करना, हीट का कोई प्रॉब्लम, फ्यूल का इंडिकेशन, क्या टाइम हो रहा है, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो सेंटर में किल स्विच वगैरह। फिर राइट साइड का भी बता दूं तो यहाँ पर जैसे मैं इसको अगर ऐसे बंद कर दूं तो यहाँ पर किल स्विच लिखा हुआ है, वहीं अगर मैं इसे ऐसे क्लिक करूं तो ये चेंज होके ये चालू हो जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लो फ्यूल का इंडिकेशन वगैरह सब पूरी चीजें आप देखिए। और इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा बता दो, जैसे टाइट स्टैंड डाउन है, और वहीं पर जैसे मैं इसको हटा देता हूँ तो ये चीजें वहां पर हट जाएंगी। तो कुछ कुछ चीजें शायद इस गाड़ी की एक टेक्निकल वे में बेटर थी। ये अपर डिपर का दिया हुआ है, यहाँ पर इंडिकेटर के ऐसा कुछ आपको हॉर्न मिल जाएगा, और करेक्ट आप नजरों को नीचे झुकाएंगे तो बीच का ये है, ये ग्लॉसी टच है, ये भी ग्लॉसी है, पर ब्लैक क्या है थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है, जिसके कारण शायद ये थोड़ा ज्यादा शाइनी लगता है। तो अगर आप करेक्ट राइडर पोजीशन पर बैठेंगे तो आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा। फिर सीट का कम्फर्ट बता दिया, बाकी हर एक चीज़ें चेन है, टायर कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ मिलता है, और सामने ऐसा है मडगार्ड, ये जो ब्लैक बॉडी फिनिश में है वैसा मिल जाता है इसमें देखने। और सेक्शन वही है, पर फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, MRF के जो टायर्स हैं उसमें 110x70 17 इंच के टायर सेक्शन मिलते हैं। डिस्क की भी कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। और पीछे सेक्शन दिया हुआ है 150x60 R17 इंच के। साइड ग्लेंस, ये गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है एक पैमाने में मेरे हिसाब से। आपको कितना बेहतर लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जैसे 2,07,000 कीमत पे ये अगर मिल रही है तो क्या इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कमेंट डाउन दैट टू बिलो। तो अगर एंट्री लेवल पे ये कीमत है तो मैं बता देता हूँ, अब KTM की कोई सी भी गाड़ी है वो 2,00,000 के ऊपर ही आएगी अगर आप ऑन रोड प्राइस टैली करना चाहते हैं।
तो इस नए अपडेशन में आपको कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो।